हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर जैसे वीडियो में दो फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें से एथर कंपनी की लेटेस्ट लॉन्च एथर रिस्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपैरिजन टीवीएस कंपनी की आई क्यूब के साथ करने वाले हैं, और टीवीएस आई क्यूब में जो आई क्यूब और आई क्यूब एस आती है उसके बारे में बात करेंगे। एसटी मॉडल अभी तक लॉन्च नहीं हुई है तो उसके बारे में बात यहाँ पे नहीं होगी। तो आइए देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर मिल जाएगी, कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। कंप्लीट आपको डिटेल में जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए एक-एक सभी के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले वेरियंट और क्रॉप ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप एथर कंपनी की रिस्टा लेते हैं तो इसमें आपको तीन वेरियंट मिल जाता है, जिसमें एस जो कि 2.9 किलोवाट और बैटरी पैक के साथ आती है, और जेड वेरिएंट मिल जाता है। जेड में दो वेरिएंट मिल जाता है, एक 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक और एक 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ मिल जाती है। तीनों वेरिएंट में क्या डिफरेंस है, मैंने इसके पहले वीडियो में कंपैरिजन किया, जाके वो देख सकते हैं। यहाँ पे केवल आपको टॉप मॉडल के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अगर आप बेस मॉडल लेंगे एस वेरिएंट, यहाँ पे तीन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे व्हाइट, ग्रे और ब्लू मिलेगा। जेड सीरीज में आपको यहाँ पे टोटल सात का ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे व्हाइट, ग्रे, ब्लू, डेक्कन ग्रे, ग्रीन, पेंगोन ब्लू और आपको येलो देखने को मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर आप टीवीएस कंपनी के आई क्यूब लेते हैं तो इसमें भी आपको आई क्यूब और आई क्यूब एस मिल जाता है। एसटी मॉडल की बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुई है, मैंने स्टार्टिंग आपको बता दिया है। आई क्यूब लेते हैं यहाँ पे तीन का ऑप्शन, पर्ल वाइट, टाइटेनियम ग्रे और शाइनिंग रेड मिल जाता है। आई क्यूब एस लेते हैं यहाँ पे चार का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे लूसिड येलो और मर्क्यूरी ग्रे, मिंट ब्लू और कॉपर ब्रॉन्ज मिल जाता है। तो यहाँ पे कलर ऑप्शन आपको लगभग आपको यहाँ पे सिमिलर मिल जाते हैं, साथ साथ कलर ऑप्शन दोनों में देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे लुक और डिजाइनिंग भी देख सकते हैं, दोनों ही फैमिली स्कूटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे एथर रिस्टा का यहाँ पे लुक और डिजाइनिंग देख सकते हैं। यहाँ पे इसका जो हेड है टीवीएस आई क्यूब के जैसा ही देखने को मिल रहा है। जो इसका फ्रंट एप्रन है जहाँ पे हेडलैम्प दिया है वो भी आई क्यूब से काफी मिलता जुलता है। तो इसका लुक डिजाइन देख सकते हैं, फैमिली स्कूटर इसको बनाया गया है। फ्लैट फ्लोरबोर्ड मिल जाता है, सीट भी काफी लंबी चौड़ी मिल जाती है, पीछे बैकरेस्ट भी आपको ऑप्शनल मिल जाएगा। तो लुक वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं एथर रिस्टा को। बाकी वहीं अगर आप टीवीएस आई क्यूब लेते हैं तो इसका भी लुक आप देख सकते हैं। इसके हेड के ऊपर आपको डीआरएस मिल जाएगा, फ्रंट एप्रन पे हेडलैम्प दिया गया है और ये भी काफ़ी अच्छा लुक के साथ मिल जाती है। साइड से इसका लुक देख सकते हैं, फ्लैट फ्लोरबोर्ड मिल जाता है, सीट आपको कंफर्टेबल मिल जाएगी, पीछे ग्रेवरेल मिल जाता है, साइड में आई क्यूब की बैजिंग मिल जाएगी और पीछे से इसका लुक देख सकते हैं, जैसा हेडलैम्प दिया गया वैसा आपको टेललैम्प मिलता है। तो लुक वाइज जो आपको पसंद आए अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, दोनों ही काफ़ी हद तक सिमिलर लुक के साथ आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पे मोटर और पावर की अगर बात करें तो अगर आप एथर कंपनी की रिस्टा लेते हैं तो इसका जो मोटर है वो आपको PMSM मोटर मिल जाता है और ये 4.3 किलोवाट का पावर और 22 Nm का टॉर्जन करती है। लेकिन टीवीएस आई क्यूब लेते हैं तो इसमें BLDC हब मोटर मिल जाता है जो कि 4.4 किलोवाट आवर की पावर और 140 Nm का टॉर्जन करती है। तो यहाँ पे पावर आपको दोनों में सिमिलर मिल जाती है, लेकिन जो टॉर्क है बेहतर आपको आई क्यूब में देखने को मिल जाती है। बाकी जो बैटरी की बात करें तो एथर कंपनी के रिस्टा में दो ऑप्शन मिल जाता है, एक आपको 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिल जाएगी और एक आपको 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिल जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप टीवीएस आई क्यूब लेते हैं तो इसमें आपको 3.04 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिल जाती है, सिंगल बैटरी के साथ आती है। और चार्जिंग टाइम की अगर बात करें तो एथर कंपनी की जो रिस्टा है 2.9 किलोवाट आवर की जो बैटरी है 0-80% चार्ज होने में 6 आवर 40 मिनट यानी 6 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। और वहीं जो 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आती है ये 0-80% चार्ज होने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। तो वहीं टीवीएस आई क्यूब लेते हैं तो 0-80% चार्ज होने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लेती है। तो चार्जिंग टाइम अगर देखेंगे, अगर आप एथर रिस्टा का बेस मॉडल लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करती है, तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। बाकी रेंज की अगर बात करें तो एथर रिस्टा 2.9 किलोवाट बैटरी पैक के साथ 123 किलोमीटर पर चार्ज की IDC रेंज देगी। वहीं अगर आप 3.7 किलोवाट बैटरी पैक के साथ लेते हैं तो 160 किलोमीटर पर चार्ज की IDC रेंज देगी। वहीं टीवीएस आई क्यूब लेते हैं तो 100 किलोमीटर पर चार्ज की इसमें आपको इको मोड में रेंज मिल जाएगी। तो रेंज के मामले में यहाँ पे आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एक्चुअल रेंज है एथर रिस्टा का वो भी आपको बेस मॉडल में 100 के आसपास आ जाएगी, क्योंकि IDC रेंज 123 है तो 100 किलोमीटर बेस मॉडल में आ जाएगी। लेकिन अगर आप एथर रिस्टा के टॉप मॉडल में जाएंगे तो इसमें आपको रेंज ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि बैटरी पैक थोड़ी सी बड़ी दी गई है। तो आपको बैटरी पैक जिस हिसाब से लेंगे रेंज आपको उसी हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए तो एथर रिस्टा का आप टॉप मॉडल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिमिलर रेंज चाहिए तो दोनों में से कोई ले सकते हैं बेस मॉडल। क्योंकि टीवीएस कंपनी की आई क्यूब एसटी मॉडल जब लॉन्च होगी तो उसमें आपको और भी ज़्यादा रेंज मिल जाती है, लेकिन अभी वो लॉन्च नहीं हुए इसलिए उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। टॉप स्पीड की बात करें तो एथर रिस्टा के जो टॉप स्पीड है 80 km/h तक है, लेकिन वही अगर आप टीवीएस आई क्यूब लेते हैं तो 78 km/h की इसकी टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। तो टॉप स्पीड आपको एथर रिस्टा में बेहतर देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो एथर रिस्टा के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। वहीं टीवीएस आई क्यूब लेते हैं तो इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में एडजस्टेबल हाइड्रोलिक ट्विन ट्यूब शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन दिया गया है। तो यहाँ पे सस्पेंशन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा रियर के साइड। बाकी टायर साइज की अगर बात करें तो एथर रिस्टा के फ्रंट में 90x90 का 12 इंच और रियर में 100x80 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। टीवीएस आई क्यूब के फ्रंट और रियर में 90x90 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। तो जो रियर का टायर्स है थोड़ा सा चौड़ा आपको एथर रिस्टा में देखने को मिल जाएगा।
बाकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है, एदर रिस्टा के फ्रंट में 200mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है। वहीं अगर आप टीवीएस आईक्यूब लेते हैं तो इसके फ्रंट में 220mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है। तो फ्रंट का ब्रेकिंग सिस्टम टीवीएस आईक्यूब में बेहतर है, बाकी जो रियर का ब्रेकिंग सिस्टम है दोनों में सिमिलर दी गई है। वहीं इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं, फीचर्स वाइज कौन सा बेहतर है, कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, एथर रिस्टा लेते हैं या फिर टीवीएस आईक्यूब लेते हैं, दोनों में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा। एथर रिस्टा में एलईडी हेडलैम्प के साथ एलईडी डियाज दिया गया है, जो कि टीवीएस आईक्यूब में भी आपको एलईडी हेडलैम्प के साथ एलईडी डियाज देखने को मिल जाती है। एथर रिस्टा में आपको एस मॉडल लेते हैं तो 7 इंच का डीप व्यू डिस्प्ले मिलता है, जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जेड सीरीज लेते हैं तो यहाँ पे आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि अभी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिल जाती है, और इसमें गूगल मैप्स आपको मिल जाएगा। तो एथर रिस्टा में दो ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। बाकी प्रो पैक के साथ अगर आप लेंगे तो उसमें आपको और भी काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं टीवीएस आईक्यूब लेते हैं तो इसमें भी आपको टीवीएस आईक्यूब का जो बेस मॉडल है इसमें आपको 5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप आईक्यूब एस लेते हैं तो इसमें आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिलेगा। हालांकि टच स्क्रीन टीवीएस आईक्यूब आपको देखने को नहीं मिलेगा। मोबाइल कनेक्टिविटी इसमें दी गई है, इनकमिंग कॉल अलर्ट ये सारी जानकारी देखने को मिल जाती है, डिस्टेंस टू इंपैक्ट, जियो फेंसिंग, नेविगेशन असिस्ट, सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और एस मॉडल में आपको जॉयस्टिक भी मिल जाता है लेफ्ट हैंड बार पे, जहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं, लेकिन बेस मॉडल में आपको नहीं मिलेगा। तो अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग आपको यहाँ पे फीचर्स भी मिलने वाले हैं। एथर रिस्टा में आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, लेकिन वहीं टीवीएस आईक्यूब लेते हैं तो बेस मॉडल में 17 लीटर की बूट स्पेस मिलेगा और एस मॉडल में 32 लीटर का बूट स्पेस दिया गया। तो यहाँ पे जो सीट के नीचे स्टोरेज है एथर रिस्टा में 2 लीटर आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है। एथर रिस्टा में आपको USB पोर्ट मिल जाता है, जहाँ से स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, जो कि टीवीएस आईक्यूब में भी दिया गया है। एथर रिस्टा में आपको 2 राइडिंग मोड, स्मार्ट इको और जिप मिल जाता है। वहीं टीवीएस आईक्यूब में भी 2 राइडिंग मोड, जो कि इको और पावर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोनों स्कूटर्स में आपको रिवर्स मोड देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप स्कूटर को रिवर्स में स्लो स्पीड में चला सकते हैं। पार्किंग समय ये फीचर्स काफ़ी काम आती है, तो दोनों मॉडल्स में आपको ये मिल जाएगी। इसके अलावा एथर रिस्टा में आप जो फीचर्स देखते होंगे, ऑटो होल्ड, स्कीड कंट्रोल, फाल सेफ, मैजिक ट्विस्ट, ये सारे जो फीचर्स हैं और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, वो आपको प्रो पैक में मिलेगा, जिसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो जब आप परचेस करेंगे उसके बारे में कंपनी आपको जानकारी देगी, कौन कौन से चीज़ आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे उसके लिए, फीचर्स के लिए। बाकी वारंटी की अगर बात करें तो एथर रिस्टा में आपको 5 ईयर्स 60,000 किलोमीटर जो पहले आएगा वहाँ पे आपको वारंटी मिलती है। टीवीएस आईक्यूब में 3 ईयर्स या फिर 50,000 किलोमीटर जो पहले आ जाएगा उसमें आपको वारंटी मिल जाती है। तो फीचर्स वाइज देखा जाए तो फीचर्स में मोटा मोटी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। अगर आप एथर रिस्टा में एक्स्ट्रा पैसा लगाएंगे तभी आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेगा, बाकी टीवीएस आईक्यूब में जितने फीचर्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। एथर रिस्टा में जो स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं फीचर्स वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। वहीं इनके कुछ डायमेंशन की बात करें तो एथर रिस्टा का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165mm है, सीट हाइट 780mm, 19 kg तक है। बाकी यहाँ पे टीवीएस आईक्यूब का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 157mm है, सीट हाइट 770mm है, और इसका जो कर्वेट है 118.8 kg तक है। तो यहाँ पे आप ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी बेहतर एथर रिस्टा मिल जाती है। सीट की हाइट यहाँ पे थोड़ी सी कम टीवीएस आईक्यूब की है, और वेट के मामले में यहाँ पे लगभग यहाँ पे सिमिलर आपको मिल जाती है, ज़्यादा वेट में डिफरेंस नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाएगा। बाकी मेन बात आती है प्राइसिंग की, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आ सकती है, दोनों की क्या प्राइस रखी गई है। वैसे तो इस समय फेम 2 सब्सिडी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से हटा दिया गया है, तो शायद आपको फेम 2 सब्सिडी ना मिले, बहुत ही कम, अब लगभग 10,000 के आसपास केवल आपको सब्सिडी मिलता है। तो इस हिसाब से प्राइसिंग इस समय काफ़ी अलग अलग हो चुकी है, और इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस हमेशा से कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो लेटेस्ट प्राइस जब भी आप परचेस करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो एथर कंपनी की जो रिस्टा आती है आपको 3 वेरिएंट के साथ मिल जाएगी। बेस मॉडल जो एस वेरिएंट है इसका बेंगलुरु में एक्सम प्राइस 1,09,999 यानी कि 1,09,999 रुपये तक है। जेट सीरीज लेते हैं 2.9 kWh और बैटरी पैक के साथ 1,24,999 यानी 1,24,999 रुपये तक एक्सम प्राइस है। टॉप मॉडल जेट सीरीज में 3.7 kWh और बैटरी पैक के साथ 1,44,999 यानी 1,44,999 रुपये तक एक्सम प्राइस है। लेकिन वही दूसरे साइड टीवीएस कंपनी की आईक्यूब लेते हैं, बेस मॉडल एक्सम प्राइस बेंगलुरु में 1,36,628 यानी कि 1,36,628 रुपये तक है। लेकिन वही अगर आप इसका एस वेरिएंट लेते हैं तो एक्सम प्राइस बेंगलुरु में 1,46,420 यानी कि 1,46,420 रुपये तक आपको देखने को मिल जाती है। तो प्राइसिंग में अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो एथर रिस्टा का बेस मॉडल लेंगे जिसमें आपको कम फीचर्स मिलेगा, रेंज कम मिलेगी, वो आपको सस्ती मिल रही है। जो टीवीएस कंपनी का आईक्यूब है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी महंगी जरूर है, अगर आप एथर रिस्टा के किसी भी वेरिएंट से कंपेरिजन कर लेते हैं तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। आपको थोड़ी सी सस्ती चाहिए,
नए लुक के साथ चाहिए तो एथर रिस्टा के साथ जा सकते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी वेटिंग पीरियड हो सकती है क्योंकि अभी इस कंपनी प्री बुकिंग भी 999 रुपीज लेकर कर रही है, तो प्री बुकिंग करा सकते हैं, नजदीकी शोरूम पे आएगी तो आप परचेस भी कर सकते हैं। वैसे एथर के शोरूम्स लगभग हर जगह अवेलेबल भी है। जितनी भी जानकारी थी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको दे दिया, फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या चाहिए होता है, वो मेन चीज होता है सेफ्टी, यानी कि जो बैटरी है वो सेफ रहे, वो गर्मी हो या फिर ठंडी का मौसम हो, रेंज अच्छा मिल जाए और एक बजट रेंज के अंदर मिल जाए, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में वही होता है। बाकी यहाँ पे जो फीचर्स होते हैं वो तो किसी स्कूटर में ज़्यादा होते हैं किसी में कम होते हैं, और फीचर्स ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ज़्यादा मायने रखता है उसका परफॉर्मेंस और उसका रेंज। तो जो आपको पसंद आए ले सकते हैं, जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।